हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो है ऑर्बिटल इन्फेक्शन। मेनली हम चार तरह का ऑर्बिटल इन्फेक्शन देखते हैं। पहले ऑर्बिट होता क्या है, तो हमारा जो आई है वो क्या है, एक बोनी सॉकेट में लोकेटेड है। इसी बोनी सॉकेट को हम ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। इसमें मेनली चार तरह का इन्फेक्शन देखने को मिलता है। एक होता है प्रीसेप्टल, जिसको हम दूसरा नाम पेरी ऑर्बिटल सेलुलाइटिस कहते हैं। दूसरा पोस्टसेप्टल, जिसको दूसरा नाम ऑर्बिटल सेलुलाइटिस कहते हैं। तीसरा ऑर्बिटल म्यूकोमाइकोसिस और चौथा कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। तो आज जो मेनली हम डिस्कस करेंगे वो पेरी ऑर्बिटल और ऑर्बिटल सेलुलाइटिस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पेरी ऑर्बिटल को दूसरा नाम प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस है और ऑर्बिटल का पोस्टसेप्टल सेलुलाइटिस है। प्रीसेप्टल पोस्टसेप्टल क्या होता है, तो देखिए ये क्या है, हमारा सेप्टल है। इससे आगे अगर एरिया इफेक्ट होगा तो उसको कहेंगे प्रीसेप्टल या पेरी ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। इसके पीछे एरिया इफेक्ट होगा तो उसको कहेंगे पोस्टसेप्टल सेलुलाइटिस। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलिए प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस के बारे में समझते हैं। प्री का दूसरा नाम क्या है, पेरी। पेरी मतलब क्या होता है, अराउंड ऑर्बिटल। इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन कहाँ होता है, मेनली आईलिड में होता है, क्योंकि वही तो होता है जो सेप्टम के आगे होता है। तो इसमें जो इन्फेक्शन होगा, अभी पढ़ा रही हूँ पेरी के बारे में, एंटीरियर टू द ऑर्बिट, ठीक है। और कहाँ इन्फेक्शन हो सकता है, तो सबकुटेनियस टिश्यू में। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये क्या होगा, ये मेनली कैसे होगा, तो ये मेनली तीन तरह से हो सकता है। एक्जोजीनस, इसका अगर कॉज पूछें मोड ऑफ इन्फेक्शन, तो एक्जोजीनस बाहर से आ सकता है बीमारी। एंडोजीनस, जैसे कि हमारा ब्लड सप्लाई से आ सकता है, या एक्सटेंशन फ्रॉम लोकल इन्फेक्शन। लोकल इन्फेक्शन कहीं पर हुआ है आई में, तो उसके कारण भी आ सकता है, ठीक है। ये जो पेरी ऑर्बिटल सेलुलाइटिस है ना, ये बाद में हमारा प्री और ये ऑर्बिटल सेलुलाइटिस भी बन सकता है, ठीक है। अब पेरी ऑर्बिटल का अगर इटियोलॉजी जाने, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि स्ट्रेप, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये सब के कारण हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब क्लिनिकल फीचर की बात करें, तो इसका क्लिनिकल फीचर बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसी से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं पेरी ऑर्बिटल और ऑर्बिटल में। तो इसका क्लिनिकल फीचर में क्या है, सबसे पहले इन्फ्लामेशन कहाँ होता है, इन्फ्लामेशन या एडिमा आईलिड में होता है, क्योंकि वही आगे प्रेजेंट होता है, ऑर्बिट इन्वॉल्व नहीं होता है। पेरी ऑर्बिटल स्किन इन्वॉल्व होता है, मतलब यहाँ पर ये सेप्टम के आगे का जो सबकुटेनियस टिश्यू है वो इन्वॉल्व होता है, उसमें एडिमा आता है, फीवर होता है, ल्यूकोसाइटोसिस होते हैं, पेनफुल एक्यूट पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग, उसके आगे में जो स्वेलिंग है ना, मतलब आँख, उसमें पूरा स्वेलिंग हो जाता है। लेकिन इसमें क्या नहीं होता है, प्रोप्टोसिस नहीं होता, आई बॉल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, ऑर्बिटल मूवमेंट क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। और क्या हो सकता है, तो इसमें विजुअल एक्टिविटी भी क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो अब नॉर्मल क्या होगा, तो अभी बताए, फीवर, पेरी ऑर्बिटल स्किन स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन होता है आईलिड में, लेकिन ऑर्बिट इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। और क्या होगा, पेनफुल एक्यूट पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग होगा, इराइथेमा, रेडनेस हो जाएगी, हाइपरेमिया हो जाएगा आईलिड में, लेकिन कंजक्टिवा में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं है, ठीक है। चलिए अब ऑर्बिटल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले हम इसका ट्रीटमेंट भी देख लेते हैं पेरी ऑर्बिटल का। तो मेन स्टेज जो होता है ना, वो सिस्टमेटिक एंटीबायोटिक होता है। इसमें हम क्या देते हैं, तो कोएमैक्सिक्लेव देते हैं। कोएमैक्सिक्लेव किसका मिश्रण है, तो कोएमैक्सिसिलिन और ये क्लारोविनोइक एसिड का मिश्रण है। और क्या देते हैं, तो फ्लूक्लो जासिलिन भी देते हैं, ठीक है। और जो इन्फ्लामेशन हुआ है इसके लिए एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जो पेन हो रहा है उसके लिए एनर्जेसिया और वार्म कंप्रेसर भी यूज किया जाता है। अगर इमरजेंसी केस हो तो आईवी
हॉस्पिटल में भर्ती करेंगे, वहाँ पे आईवी एंटीबायोटिक दिया जाएगा किसका, तो सेफेलोस्पोरिन का, ठीक है। कभी कभी ये सर्जिकल एक्सप्लोरेशन भी इसमें होता है। तो आपको आईलिड के बारे में, जो प्रीसेप्टर आईलिड था उसके बारे में पूरी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं ऑर्बिटल सेलुलाइटिस में। तो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस मेनली सेप्टल के पीछे, तो सेप्टम कहाँ है, ये सेप्टम के पीछे वाला पार्ट इसमें मेनली अफेक्ट। अब इसमें पहले मेन चीज़ जान लेते हैं कि जो इन्फेक्शन होता है वो ऑर्बिटल के सेप्टम के पीछे होता है, ठीक है। और इसमें होता क्या है, तो इसमें यूनिलेटरल प्रोप्टोसिस होता है। यूनिलेटरल प्रोप्टोसिस का मतलब क्या होता है, आई बॉल में प्रोट्यूजन, एक ही आँख में प्रोट्यूजन होगा, दोनों आँख में प्रोट्यूजन नहीं होगा। लेकिन अगर किसी में बाइलेटरल प्रोप्टोसिस हो जाए तो वो किस बीमारी का है, तो वो है न्यूरोब्लास्टोमा का। याद रखिएगा, न्यूरोब्लास्टोमा में क्या होता है, दोनों आँखों में प्रोप्टोसिस होता है। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, इसमें सिर्फ एक ही आई में प्रोप्टोसिस होगा, और ये मेनली चाइल्ड का। तो अगर हम बात करते हैं क्या, तो इसको लिख देती हूँ, ईजी होगा। मोस्ट कॉमन प्रोप्टोसिस यूनिलेटरल चाइल्ड में किस में होता है, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस में। लेकिन यही अगर बाइलेटरल हो चाइल्ड में, तो वो होगा मेनली न्यूरोब्लास्टोमा मेटास्टेसिस में, ठीक है। लेकिन जब अडल्ट में देख रहे हैं, तो अगर यूनिलेटरल है तो थायराइड आई डिजीज होगा, और अगर बाइलेटरल है तो ग्रेव ऑप्थेल्मोपैथी होगा। फिर से, अगर एडल्ट में देख रहे हैं प्रोप्टोसिस आई बॉल में डेविएशन, यूनिलेटरल है तो थायराइड आई डिजीज होगा, ठीक है। और बाइलेटरल, चाहे यूनिलेटरल हो या बाइलेटरल हो, दोनों में थायराइड रिलेटेड ऑप्थेल्मोलॉजी आपको देखने के लिए मिलेगा, मेनली ग्रेव ऑप्थेल्मोपैथी, ठीक है। अगर कोई पूछे कि मोस्ट कॉमन ऑर्बिटल सेलुलाइटिस कौन सा है, ये जो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस है ये मेनली किसके कारण होता है, तो ये साइनस के कारण होता है। दो कारण हो सकता है इसमें, साइनस और ट्रॉमा। लेकिन इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो क्या है, साइनस। इसमें साइनस का इन्फेक्शन इसमें आ जाता है। तो साइनस में भी कौन सा साइनस, तो इथमोइड साइनस। कौन सा, इथमोइड साइनस, याद रखिएगा। इथमोइड साइनस मेनली इसको अफेक्ट करता है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात किया जाए, तो मोस्ट कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है, तो स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। कौन सा, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, ठीक है। अगर इसका ट्रीटमेंट की बात किया जाए, तो अभी सिर्फ मेन बता रही हूँ, ड्रग ऑफ काउंटर कौन सा होगा, तो आई वी वैनकोमाइसिन। और मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन अगर पूछा जाए कि इसका जो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस है, इसका मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशंस बाद में क्या हो सकता है, तो इसका जो चौथा टाइप बताए थे ना, केवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, वही इसका मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशंस आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको पूरी तरह एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं। तो इसमें मेनली हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। तो इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, इंट्रा ऑर्बिटल एब्सेस भी हो सकता है। इसमें हम मेनली इसका अगर क्लिनिकल फीचर देखें, तो क्लिनिकल फीचर में क्या देख सकते हैं, तो इसमें मेनली क्या होगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगी और सीवियर पेन। तो सीवियर पेन कब, जब हम आई को मूव करेंगे या आई में प्रेशर देंगे, ठीक है। इसमें मेनली इसमें भी फीवर, नौसिया, वोमिटिंग, ये सब देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें साथ साथ विजन लॉस भी देखने को मिलेगा, और क्या, लीड में तो स्वेलिंग रहेगा, लेकिन वो लीड कैसा रहेगा, उदी हार्डनेस, मतलब ये लकड़ी की तरह हार्ड रहेगा, रेड रहेगा। ये यूजुअली मार्क है, याद रखिएगा, इसका कौन सा मार्क है, ये लीड में स्वेलिंग रहेगा लेकिन कैसा, उदी हार्डनेस रहेगा, ठीक है, यही याद रखिएगा। और क्या याद करने वाली चीज़ें हैं, ये जो स्वेलिंग होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है, और आई बॉल मूवमेंट में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। और इसमें क्या होता है, तो कंजक्टिवा में किमोसिस होता है। क्या, किमोसिस, किमोसिस मतलब क्या होता है, स्पेलिंग देखना चाहेंगे तो किमोसिस, किमोसिस मतलब आई में इरिटेशन हो जाना, और आँख में ऐसा लगेगा ना कि पानी भरा हुआ है, ठीक है। और क्या होगा, एक्सियल प्रोप्टोसिस देखने को मिलेगा। प्रोप्टोसिस मतलब क्या होता है, आई बॉल में प्रोट्यूजन हो जाना, और ऑकुलर मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन होगा। क्यों,
क्योंकि बहुत पेनफुल होगा ना, और रिलेटिव एफरेंट देखने आरएपीडी देखने को इसमें मिलेगा। और क्या करेंगे, फंडस एग्जामिनेशन करेंगे तो रेटिनल वेन में क्या दिखेगा, कंजेशन दिखेगा। ये सब मेनली हमारा पेरी और वाइटल सेलुलाइटिस में देखने को नहीं मिला था। फंडस एग्जामिनेशन में क्या मिलेगा, तो रेटिनल वेन में कोजेशन मिलेगा और पेपिलाइटिस और पेपिलोइडिमा भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब दोनों को एक तरह लेके आते हैं। हाँ, और वाइटल सेलुलाइटिस का त्रायाद है, याद रखिएगा। अगर इसका कोई त्रायाद पूछेगा तो क्या होगा, पहला आई मूवमेंट में पेन होना, दूसरा प्रोप्टोसिस आई बॉल का बल्जिंग हो जाना, तीसरा डबल विजन या ब्लरिंग विजन दिखना। ठीक है, कैसा विजन, डबल विजन या ब्लरिंग विजन। और इसमें एक और चीज़ होता है कि जब आई मूवमेंट करते हैं तो पेन होता है पहला, दूसरा इसमें क्या होगा, डबल विजन दिखेगा, तीसरा प्रोप्टोसिस होगा, और इसमें जो क्या होता है, विजन लॉस भी होता है। लेकिन जो पेरी और वाइटल सेलुलाइटिस है उसमें आई मूवमेंट में कोई भी पेन नहीं करेगा और विजन हमारा नॉर्मल रहेगा। इसी के साथ हमारा दो और वाइटल इन्फेक्शन समाप्त होता है। अगले में हम